कार्तिक पूर्णिमा पर राजधानी रायपुर के महादेव घाट में ब्रह्म मुहूर्त से ही पुण्य की डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ी परंपरा में पुण्य की डुबकी लगाने से पुण्य फल की मान्यता होने से अल सुबह ही काफी लोग वहां पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पुण्य की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री को डुबकी लगाते देखकर कई जनप्रतिनिधि भी उत्साह में आकर डुबकी लगाने लगे। उनके साथ दूधाधारी मठ के महंत राम सुंदर दास, महापौर एजाज देवर समेत कई जनप्रतिनिधियों ने डुबकी लगाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव का दर्शन, आरती कर छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें, महादेव घाट पर हर साल भव्य मेला लगता था। ग्रामीण स्नान दर्शन पूजन करके महादेव से मन्नत मांगते थे। मेले में दिन भर झूला झूलने, खेल तमाशा देखने की होड़ लगी रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से प्रशासन ने मेले को अनुमति नहीं दी। मेला नहीं लगने से लोग सिर्फ स्नान करके मंदिर में दर्शन लाभ लेकर वापस लौट रहे हैं। बाल्यकाल में सब किए है, स्कूल कॉलेज तक के छोटा ही रहा है, तो लेकिन अब ये भले योग नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं, लेकिन पुराना अनुभव तो काम आ ही जाता है। तो आज कार्तिक पूर्णिमा की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई।